नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये चारपाई के डिजाइन के बारे में। ये मैंने तिरंगा बनाया है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सी वीडियो बनाई थी जो आप देख सकते हैं, और उसमें चारपाई में नाम लिखना, डिजाइन नंबर और मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ मैंने बता दिए। बहुत से दोस्तों कमेंट आए थे इसलिए, और मैंने चारपाई शुरू से बनाकर बताई है कि ये ब्लू वाली रस्सी है ये कैसे डालते हैं, ये येलो वाली रस्सी कैसे डालते हैं, ये सभी चीज़ मैंने बनाकर बता दी है। यदि वो वीडियो आपने देख ली है तो धन्यवाद। यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको इस डिजाइन के बारे में बता देता हूँ आपको किस प्रकार से बनाइए। जो ताना कैसे खींचते हैं वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, और येलो वाली रस्सी है वो भी कैसे डालते हैं वो भी बता दिया था। अभी अलग डिजाइन है, मैं वही जो हमारी हर चारपाई में बनाता हूँ वही डिजाइन है हमारे पास। जो यहाँ से देखो, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ पर मैंने एक रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, इस प्रकार से मैंने ये डिजाइन शुरू की है। फिर यहाँ पे मैंने दो उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई। इस रस्सी में दोस्तों पूरी में ही मैंने तीन दबाई है और तीन उठाई है, और कोई इंटरफेयर नहीं किया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, यहाँ पे मैंने पाँच रस्सी उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई। तो ये मैंने पहले सिर्फ तीन रस्सी ही डाली है, फिर मैंने वाइट की तीन डाली है, और ये ग्रीन की भी ये तीन डाली है, जो हरी वाली हमारी है इसको भी तीन डाली है मैंने। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने तीन उठाई है, तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई, फिर यहाँ पे एक रस्सी मैंने यहाँ दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, इस प्रकार से मैंने ये की है। उसके बाद यहाँ पे दो रस्सी उठाई है मैंने, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, इस पूरी रस्सी में ही तीन दबाई है और तीन उठाई है। उसके बाद यहाँ पे एक रस्सी उठाई है मैंने, देख पा रहे हैं, आपको जूम करके दिखा देता हूं मैं, ये एक रस्सी मैंने उठाई है यहाँ पे, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ पे मैंने पांच रस्सी उठाई है, फिर यहाँ मैंने एक रस्सी दबाई है, फिर तीन उठाकर पांच रस्सी यहाँ दबाई मैंने। इसमें दोस्तों मैंने नाम भी लिखा है और तिरंगा मिलाई, मैंने डबल काम किया है इसमें। फिर पाँच दबाकर तीन उठाई है और एक रस्सी दबाई है, फिर यहाँ से तीन रस्सी मैंने येलो ये वाइट की डाली है, इसके बाद में ये हरी वाली आपको दिख रही है ग्रीन वाली, ये भी तीन रस्सी डाली है। तो यहाँ मैंने तीन दबाई है, तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई, फिर एक रस्सी यहाँ मैंने दबाई है, फिर यहाँ मैंने पांच रस्सी उठाई है, उसके बाद तीन दबाई एक उठाई, फिर यहाँ तीन दबाई तीन उठाई है, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे दो रस्सी दबाई है। आप जूम करके देख लीजिए ताकि आपको पूरी चारपाई दिख सके, और दो दबाकर तीन उठाई तीन दबाई, तीन उठाई तीन दबाई, इस पूरी रस्सी में दोस्तों तीन उठाई है और तीन दबाई है, और कोई इंटरफेयर नहीं किया है मैंने। फिर यहाँ पे मैंने एक रस्सी दबाई है, तीन उठाई तीन दबाई, फिर यहाँ पे पांच रस्सी मैंने उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई, तीन दबाई, फिर एक रस्सी उठाई यहाँ पे मैंने, फिर तीन दबाई तीन उठाई। तो ये हमने एक पी भी मांडा इसमें और आर भी, ये दोनों चीज़ आपको देख पा रहे हैं, तो आपको ये भी सपोर्ट मिल सकती है, आपको पी कैसे मांडना है और आर कैसे मांडना है, तो ये भी आपको सहायता मिल जाएगी इसमें बहुत ही आसानी से। और इससे पहले भी मैंने पी और आर मांड के दिखाया था आपको एक अलग डिजाइन से, आर भी और पी भी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने तीन रस्सी उठाई है, फिर तीन दबाई तीन उठाई, फिर एक रस्सी यहाँ पे मैंने दबाई है, फिर तीन उठाई तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ पाँच रस्सी दबाई है मैंने, फिर यहाँ तीन उठाकर एक रस्सी दबाई है, फिर यहाँ आगे मैंने लगाई है, यहाँ से हमारा ये आर शुरू हुआ है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ दो रस्सी मैंने उठाई, फिर तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ मैंने पांच रस्सी, सॉरी यहाँ सात रस्सी मैंने दबाई है एक उठाई है, फिर यहाँ तीन दबाई तीन उठाई, फिर तीन दबाई तीन उठाई, फिर एक रस्सी दबाई यहाँ पे मैंने। ये मैंने एक तिरंगा की जो हमारी अलग से रस्सी डाली है मैंने ऊपर से, ये बता देता हूँ आपको। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने एक उठाकर पाँच तीन दबाई, फिर यहाँ नौ रस्सी मैंने उठाई है यहाँ पर, फिर पाँच दबाई है, फिर यहाँ एक तीन उठाकर एक दबाई है, फिर तीन उठाई दो दबाई यहाँ पे, देख पा रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर यहाँ दो रस्सी उठाई, फिर तीन दबाई, फिर यहाँ पे मैंने
9 रस्सी उठाई है, फिर 3 दबाई 1 उठाई, फिर 3 दबाई 5 रस्सी मैंने यहाँ पे उठाई है, फिर 1 रस्सी दबाई है, फिर यहाँ पे मैंने 3 रस्सी उठाई है और 3 दबाई, फिर यहाँ मैंने 7 रस्सी उठाई है, 7 सॉरी हाँ यहाँ पे 7 रस्सी उठाई है, फिर 3 दबाई 3 उठाई, 3 दबाई 3 उठाई, 3 दबाई 1 उठाई, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ 3 रस्सी उठाई है मैंने, फिर यहाँ 3 दबाई, फिर यहाँ 5 रस्सी उठाई है मैंने, फिर 3 दबाई 1 रस्सी सिंगल उठाई है, ये इसमें सिंगल रस्सी में मैंने बनाया है, फिर यहाँ 3 दबाई 3 उठाई, 3 दबाई 3 उठाई, उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 रस्सी दबाया है। अब ये लहर हमें काटनी शुरू हो गई, यहाँ से पहले लहर इधर चल रही, अब ये कटना शुरू हो गया है, फिर ये 1 रस्सी दबाई, फिर 3 उठाई 3 दबाई, फिर यहाँ 5 रस्सी मैंने उठाई और 5 दबाई है, फिर यहाँ 3 उठाई 3 दबाई, फिर 1 रस्सी दबाई है, उसके बाद में यहाँ मैंने 2 रस्सी दबाई, फिर 3 उठाई 3 दबाई, फिर यहाँ 5 रस्सी मैंने उठाई है, फिर 3 दबाई 3 उठाई, 3 दबाई 3 उठाई, उसके बाद में मैंने यहाँ पे 1 रस्सी उठाई है, 1 रस्सी उठाकर 3 दबाई 3 उठाई, 3 दबाई 3 उठाई, फिर 1 सॉरी 5 उठाई है यहाँ पे, 5 उठाकर 1 रस्सी मैंने दबाई है यहाँ पे, फिर 3 उठाई 3 दबाई, 3 उठाई 1 दबाई है, इस प्रकार से ये डिजाइन आपको बनाएंगे। और फिर यहाँ पे मैंने 2 रस्सी उठाई है, फिर 3 दबाई 3 उठाई 3 दबाई, फिर यहाँ पे मैंने 7 रस्सी उठाई है, ये क्योंकि दोस्तों आगे अक्सर नहीं होने के कारण से मैंने यहाँ पे 7 रस्सी उठानी पड़ी है, यदि आगे अक्सर होता तो यहाँ 5 रस्सी ही उठती आपको, ये हमारा आर बन गया है। फिर यहाँ 3 दबाई 3 उठाई, फिर 2 रस्सी दबाई यहाँ पे मैंने, फिर यहाँ 3 रस्सी उठाई 3 दबाई 3 उठाई 3 दबाई, फिर यहाँ मैंने 5 रस्सी उठाई है, फिर 3 दबाई 3 उठाई 3 दबाई, फिर यहाँ 2 दबाई 3 उठाई, फिर 3 दबाई 3 उठाई, फिर यहाँ मैंने 4 रस्सी दबाई है, फिर 2 उठाई है, फिर यहाँ 4 रस्सी फिर दबाई है, फिर 3 उठाई 3 दबाई। तो इस प्रकार से ये चारपाई आपको तिरंगा भी बना सकते हैं और पी और आर भी बना सकते हैं, और ये डिजाइन की चारपाई आप देख पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो संबंधी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।